बड़ी खबर शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आई है, जहां पर शिक्षा विभाग ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई है। जितने बीपीएससी पास शिक्षक हैं, अगर अब वो छुट्टी लेते हैं तो उनकी सैलरी काट ली जाएगी। यानी कि अब विभाग नो वर्क एंड नो पे पॉलिसी पर काम करेगा। पहले ऐसा नहीं था, अब ये नया नियम लाया गया है जिससे अगर अब शिक्षक छुट्टी लेते हैं तो उनकी सैलरी काट ली जाएगी। बताते चले हम आपको कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास अवकाश के लिए आवेदन आए। वैसे शिक्षक जो TRE 1 और TRE 2 की परीक्षा पास करके अभी शिक्षक बने हैं, बीपीएससी पास शिक्षक हैं, उन्हें अगर अवकाश चाहिए तो उसके लिए उनकी सैलरी काट ली जाएगी, यानी कि वेतन नहीं दिया जाएगा। दरअसल कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास अवकाश का आवेदन दिया था, वो हायर स्टडी करना चाहते हैं। तो शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया कि हम आपको स्टडी लीव तो नहीं देंगे, लेकिन असाधारण अवकाश देंगे, जहां पर आपको नो वर्क नो पे पॉलिसी पर काम करना होगा। यानी कि अगर आप विभाग के लिए काम नहीं करेंगे, आप स्कूल नहीं जाएंगे, आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, आप कोई भी वर्क नहीं देंगे तो आपको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। यानी कि काम नहीं तो पैसे नहीं, इस तर्ज पर शिक्षा विभाग काम करेगा और शिक्षकों की सैलरी रोक दी जाएगी उस दौरान जिस दौरान शिक्षक अपनी लीव पर रहेंगे, छुट्टी पर रहेंगे और स्कूल नहीं आएंगे। बताते चले हम आपको कि जब शिक्षा पदाधिकारी के पास जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास यह आवेदन गया तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से इस पूरे मामले में उनकी क्या राय है ये पूछा, उनकी राय मांगी। और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कहा कि हम स्टडी लीव नहीं देंगे, यानी कि शिक्षा विभाग अब स्टडी लीव नहीं देगा बल्कि असाधारण अवकाश देगा। क्योंकि अगर शिक्षक हायर स्टडी करना चाहते हैं तो ये शिक्षा विभाग के हित में होगा और ऐसे में शिक्षा विभाग उन्हें असाधारण छुट्टी देगी और इसके लिए नो पे पॉलिसी पर काम किया जाएगा। यानी कि काम नहीं तो वेतन नहीं। जितने भी अभी बीपीएससी पास शिक्षक है, यानी कि जितने लोगों ने अभी TRE 1 और TRE 2 की परीक्षा दी है, वो मौजूदा समय में बिहार में काम कर रहे हैं। ये शिक्षक ना केवल बिहार बल्कि बिहार के बाहर के भी शिक्षक हैं, वो बिहार आकर बिहार के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पर ऐसी स्थिति में अगर उन्हें छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए, अगर वो अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं, हायर स्टडी के लिए उन्हें लीव चाहिए, तो उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। यानी उनका वेतन उस दौरान नहीं दिया जाएगा जिस दौरान वो अपनी हायर स्टडी करने के लिए छुट्टी लेते हैं। बताते चले हम आपको कि अब शिक्षा विभाग जो है वो बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के तहत काम करेगा, जिसमें वर्णित अवधि का नियमानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाए। यानी कि संबंधित शिक्षकों द्वारा उच्चतर योग्यता प्राप्त किए जाने को विभाग के हित में मानते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों का निर्देश ये है कि इस प्रकार का अनुरोध आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियम 180 और 236 के तहत असाधारण अवकाश दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए सैलरी काट ली जाएगी, वेतन काट लिया जाएगा। बताते चले हम आपको कि पहले शिक्षकों को स्टडी लीव दिया जाता था, यानी कि वैसे शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा मन हुआ कि हम हायर स्टडी करेंगे, हम और आगे पढ़ेंगे, तो शिक्षा विभाग की तरफ से उन्हें स्टडी लीव दिया जाता था और इस दौरान उन्हें सैलरी भी दी जाती थी। लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया है, शिक्षा विभाग ने नया नियम लाया है और इस नए नियम के तहत स्टडी लीव देने का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया। अब स्टडी लीव बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो होगा असाधारण लीव और उसके लिए सैलरी देने का प्रावधान है ही नहीं, यानी कि वेतन देने का बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग के लिए बड़ी खबर है, शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि वैसे शिक्षक जो ये सोच रहे थे कि हम अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करेंगे और सरकार की तरफ से हमें वेतन भी दिया जाएगा, तो अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। शिक्षक अगर अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं तो उन्हें असाधारण अवकाश लेना होगा और इसके बदले सैलरी का कोई प्रावधान है ही नहीं। यानी कि नियम के अनुसार अगर आप यानी कि शिक्षक असाधारण अवकाश लेते हैं तो उनकी वेतन उस समय के लिए रोक दी जाएगी। ये प्रावधान पहले से ही है और इसी नियम के आधार पर अब शिक्षकों को छुट्टी दी जाएगी, अवकाश दी जाएगी, चाहे अगर महिला शिक्षक हो, पुरुष शिक्षक हो,
दोनों को अपने अपने कारणों से कुछ समय के लिए अवकाश लेना है तो वो असाधारण अवकाश ही होगा। स्टडी लीव नाम का कोई भी छुट्टी नहीं दिया जाएगा। स्टडी लीव का प्रावधान शिक्षा विभाग ने हटा दिया है, यानी कि अब शिक्षक हायर स्टडी करने के लिए स्टडी लीव नहीं ले सकते हैं। ये नया नियम लाया गया है और इस खबर से शिक्षक महकमा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि पहले जो नियम था उस नियम के हिसाब से आप स्टडी लीव ले सकते थे, लेकिन अब 2024 में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको स्टडी लीव चाहिए तो आपको असाधारण अवकाश दिया जाएगा। स्टडी लीव जैसा कोई टर्म ही नहीं अब रखा जाएगा। आप असाधारण अवकाश लीजिए और इसके लिए नो वर्क नो पे पॉलिसी पर काम कीजिए, यानी कि काम नहीं तो वेतन नहीं। इस तर्ज पर शिक्षा विभाग काम करेगा और शिक्षकों को असाधारण अवकाश देगा। इस बारे में और भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आपको क्या लग रहा है, ये नियम जो शिक्षा विभाग की तरफ से लाया गया है ये शिक्षकों के हित में होगा, या इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और स्वस्थ बिहार देखते रहिएगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।